कल भी बात की थी और इसको हमने अप्रूव कर दिया था, बल्कि इनफैक्ट हम अपना ही रिजोल्यूशन लेके आए थे थिंकिंग कि अगर इनकी में कोई वर्डिंग का फ़र्क हो तो हम अपना और स्ट्रॉन्गर वर्डेड रिजोल्यूशन उसको पास करवाए। उसमें हमने पास किया जनाब स्पीकर, द अदर डे हमने पैलेस्टाइन के साथ अगेंस्ट द इज़राइल भी उस रिजोल्यूशन में हम साथ थे। जब जब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ हुआ है, चाहे वो सीपेक था, फिर भी हम हुकूमत के साथ रहे। चाहे स्पीकर साहब अगर गवर्नमेंट के पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट बाहर से आने थे, उसमें भी शिरकत करना हमारा था और हमने ऐलान किया था कि हम उसमें शिरकत करेंगे। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर थे, जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, इस पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम हो, बावजूद इसके कि इसमें बैठे हुए लोगों पर स्ट्रांग रिजर्वेशन है हमारी, लेकिन इस हकूमत की एक शेवा रहा है, ये नवी लेजिस्लेशन हो रही है इस पार्लियामेंट में, आठवां सेशन है, इसमें ये नवी लेजिस्लेशन हो रही है। ईच एंड एवरी टाइम जब लेजिस्लेशन होती हैं तो आप रूल को सस्पेंड करवाते हैं, आप वन गो में सारी की सारी रिपोर्टें रखवाते हैं, वन गो में पूरा बुल रखवाते हैं और उस पर कभी भी कोई डिस्कशन हुए बगैर आप उसको पास करवा देते हैं। ये इस हकूमत के मेम्बरान से भी पूछे, इनके मेम्बरान को भी नहीं पता हुआ होता कि ये कौन सी लेजिस्लेशन हो रही है। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वामिन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। जनाबी स्पीकर, 78 सीटें थी हमारी, 78 सीट में 67 सीटें हैं वामिन की और उसमें हैं 11 सीट्स माइनॉरिटी की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके लिए हमने 4 अप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन में भिजवाई थी। कानून के मुताबिक हुआ ये था कि जिस वक्त नामिनेशन पेपर हमने फाइल किए, वो नामिनेशन पेपर के साथ फॉर्म 33 आया। फॉर्म 33 में लिखा हुआ था कि ये सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वो जिस वक्त हमने सारे के सारे कैंडिडेट ने अनाउंस किया, नामिनेशन पेपर फाइल कर लिए डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया और सारे कैंडिडेट को आज़ाद निशानात अलाट किए गए। इसके बावजूद कि हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी जीत के साथ जीत चुकी है वहाँ 45 के मुताबिक। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं, इनमें से किसी एक एमएनए ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, कि यह सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं, ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई, जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अकदार यही है कि तस्वीर का एक तरीका कार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए, 11 जज साहिबान ने अपने राय दी, उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि हम ही एंटाइटल थे उन सारे सीटों के। और तस्वीर का तरीकेकार यही है कि एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है, ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं, इसमें जनाबी स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे, लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में सरियत कर बैठा है।
कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे जनाब स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इट को आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिग्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें तीन चीज़ें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाब स्पीकर इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंटें पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीरी कानून यहां बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है, ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है, ये वर्डिंग में आपने दो प्रोवाइजो डाले कि एक प्रोवाइजो डाला है, अपने आईन को देखे ये किसके कहने पर आप कर रहे हैं कानून साजी, ये आपका एक प्रोवाइजो है कि दो। आईन का आर्टिकल 51 कहता है हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 3 दिन का टाइम है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर दे। आपने इस लॉ में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? ये आपने इस एक्ट में करवाया, आप इस एक्ट में ये करवा रहे, आपने अमेंडमेंट ये करवाई, फिर दूसरी अमेंडमेंट ये करवा रहे हैं। इरिवर्सिबल लिखा हुआ था पहले, अभी आपने इसमें रखा इरिवर्स भी लिखा कि नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड आ विड्रॉन। आपने काश सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ऑर्डर पढ़ चुके होते तो कभी यह लेजिस्लेशन ना करते। उन्होंने दो अलग अलग लॉ डिक्लेयर किए थे, एक लॉ डिक्लेयर किया पॉलिटिकल पार्टीज का और दूसरा डिक्लेयर किया कैंडिडेट्स का। उनका आर्टिकल 17 है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उनका राइट है, उस पर कहाँ की कतगन आप लगा सकते हैं? ये सारी गैर आयूनी और गैर कानूनी और रूल्स के अगेंस्ट लेजिस्लेशन है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर आपकी आयूनी जिम्मेदारी है, आप कानून साजी की इजाज़त देते हैं, क्या कोई बंदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई एमएनए बांगे, क्या उसका ये राइट है कि ऐसे लेजिस्लेशन के बिल प्रेजेंट करे जो आइन से मुतसादम हो? क्या एक दिन में आपने इसको पार्लियामानी पार्ट कमेटी में भेजा? क्या ये बिल आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा है? आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को नहीं भेजा, आपने इतनी उजलत किस बात की है? आपने वो अमेंडमेंट यहाँ से शेयर की? आप हम तो अपोजिशन है, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते, लेकिन इनसे पूछे, इनके किसी MMPA से अभी MNA से आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था, ये नावाके पे इनको भी नहीं पता। जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के लिए तस्बीह का तरीक़ेकार ये होता है, ईवान उसको सेट असाइड नहीं करती, उसको ऑनर करती है, फैसले ऑनर किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, एक फाइनल वर्ड होता है जिस पे लोग लब्बे कह के कहते हैं कि अब तस्बीह हल हो गया, वो जिसके फेवर में हो। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं, ऐलान करते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जनाब स्पीकर आपके नोटिस में एक चीज़ दोबारा गोश गुजार कराऊँ, हर रोज़ हमने कहा है, आज दोबारा आपके नोटिस में लेके आ रहे हैं, इतनी हिम्मत वाकई नहीं है। हम बारहा ये इस पार्लियामान में कह चुके हैं कि जनाब स्पीकर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और आए लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। जनाब स्पीकर इस पर मैंने वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल करवा ली थी, वज़ीर आज़म ने यहाँ अंडरटेकिंग का कहा था और साथ ही ये कह दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं उसको स्पीकर साहब के सामने लेके आऊँगा इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। जनाब स्पीकर साहब आपसे हमारी ये तवक्को है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप चेयर हैं, हम हमेशा आपका रिगार्ड करते हैं,
आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस इस पार्लियामान में, हमारे कल एक भाई की शहादत की डेथ हुई है, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, इस पूरे हाउस को हमेशा से ये दुख रहेगा, वो अपने घर में नहीं मर सका, वो घर जाना चाह रहा था लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। आपको आवाज़ देना होगा, आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है, इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आयीन का हलफ उठाया था। हम हमेशा आपको हलफ याद कराते हैं जनाब स्पीकर, आपको हलफ याद कराते हैं, ये हलफ हम आपको याद कराते हैं जनाब स्पीकर। आप हमारे इतनी स्पीकर है जितना इनके स्पीकर है, आप यूनाइटेड स्पीकर हैं, हम आपको ये हलफ याद कराते हैं। हमारे मेंबर की डेथ यहां क्यों हुई, वो अपने घर क्यों नहीं जा सका, अरेस्ट, सिर्फ अरेस्ट नहीं, उनको डिसअपीयरेंस की। जनाबी स्पीकर हम आपसे मुतालबा करते हैं काइंडली इस रूल्स के मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक आप पार्लियामेंट स्पेशल कमेटी बना लें कि वो कमेटी एक्सक्लूसिवली हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं और जो डिसअपीयर हुए हैं उनको एक्सक्लूसिवली वो कमेटी देख ले। हम आपसे मुतालबा करते हैं स्पेशल पार्लियामेंट्री पार्टी बनाना, रूल्स में आपका इख्तियार है, ये रूल्स में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, रूल 186 में लिखा हुआ है। जनाब स्पीकर हम आपसे फुरजोर मुतालबा करते हैं अपोजिशन कि आप ये स्पेशल कमेटी बना लें, स्पेशल कमेटी